मॉर्निंग बच्चे, आज आप एक्सरसाइज 2.2 दी रिविजन करांगे। उस तो पहला एक डेफिनेशन है बहुपद दी सिफर। हाँ जी बच्चे, बहुपद दी सिफर की हुंदी है? कोई भी बहुपद दे विच जिहड़ी चल संख्या हुंदी है, जिवें एक्स हो गया, वाई हो गया, एम एन कुछ भी हो गया, जदों असीं उस दा कोई ना कोई मुल लैंदे हां अपने कोलों, 0, 1, 2, 3, -1, -2 या बटिआं विच भी हो सकदा है। एक्स का वाई का जोड़ा मुल भरन के नाल जी बहुपद आ, अगर वो जीरो बन जाए, बहुपद का मुल जीरो बन जाए, तो उस एक्स के मुल नूं कहा जाता है बहुपद की सिफर। जिमें कि मैं एक बहुपद ले ली एक्स प्लस टू, हुण इहदे विच एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करा तो -2 + 2 कि बन जाएगा जीरो। तो इस बहुपद की सिफर कितनी आ? -2, या एक्स बराबर -2। नैक्सट हैगी रेखी बहुपद, जिहदी घात बहुपद की एक हुंदी आ, उहदी जिहड़ी सिफर आ उह वी एक हुंदी आ। मीनस जिहड़ी बहुपद की घात एक होएगी उहदे विच एक्स का एक ही मुल होगा जिथे वह जीरो बनेगी। नैक्सट है दोघाती बहुपद, दोघाती बहुपद के एक्स दियाँ दो वैल्यूज़ होणगियां, दो वैल्यूज़ पुट करन ते मीनस अलग अलग होणगियां, दो वैल्यूज़ पुट करन ते जिहड़ी बहुपद आ उह की होएगी? जीरो बन जाएगी। तीन घाते दियाँ बहुपद दियाँ जिहड़ी सिफरां हुंदियां ने उह तीन हुंदियां ने। नैक्सट एक्सरसाइज है, फस्ट सम है px = 5x - 4x² + 3। px का मुल है 5x - 4x² + 3। असी इस दा मुल पता करना जदों एक्स का मुल कितना जीरो, या एक्स का मुल कितना -1, ते थर्ड पार्ट दे विच एक्स का मुल कितना वा 2। पहला एक्स का मुल हैगा जीरो, जीरो का मतलब की है जिथे जिथे एक्स आ उत्थे जीरो पुट कर देना। इतने 5 × x आ तो 5 × कि आ गया 0, -4 x² 2, 0² 2 +3। किसी भी संख्या में 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है? 0। इतने भी 0 बन गया, इतने भी 0 बन गया +3। 3 + 0 + 0 कि हो गया 3। तो पहले का आंसर कि आ गया 3 या 3। दूजा हैगा एक्स की वैल्यू कि -1, मीनस जिथे जिथे एक्स आ तुसी -1 पुट कर देना है। इतने कि आ गया 5, एक्स की वैल्यू कि आ गई -1, -4, एक्स की वैल्यू फिर कितनी आ गई? -1 + 3। हुण 5 नूं -1 नाल गुणा करांगे -5, -4, -1 नूं -1 नाल करांगे +1 बन जाएगा, क्योंकि -, -, + हो जाते हैं गुणा होकर, प्लस कितना आ गया 3। हुण इह कितना बन गया? -5, -4, +3। माइनस वाले अलग कट्ठे कर दो, प्लस वाले अलग, माइनस वाली दो संख्यावान ने, -5, -4 किन्ने बन गए? -9। हुण -9 ने +3 ने, आप कह सकते 3 विचों 9 नूं घटा रहे हैं। हुण 3 चो 9 नहीं घटा सकते तो अगे की आजूगा माइनस, तो 9 चो 3 घटाए किन्ने होंगे ने? 6। सेम थर्ड पार्ट है, इतने असी एक्स की वैल्यू 2 पुट करती, 5 गुणा कि आ गया 2, -4, इतने एक्स की का 2 आ, 2 की का 2 +3, 5 × 10, 2 × 4, 4 × 4 = 16। इन्हें अगे इदा सोल्व कर लेना। हुण प्लस वाले दो संख्यावान ने, 10 ते 3 किन्ने बन गए? 13, 13 विचों 16 घटाए नहीं घटा सकते, अगे की आ गया माइनस, तो 16 विचों 13 घटाए किन्ने होंगे आ? 3। इहदा आंसर आ गया -3। सैकेंड सम है, सानू पी वाई दिता फस्ट पार्ट के वाई की घात 2 + y + 1। असी पी की घात 0 ते मुल पता, पी का मुल 0 ते पता करना, 1 ते पता करना, 2 ते पता करना। मीनस असी पहला वाई का मुल कितना भरांगे? 0। फिर असी वाई का मुल कितना भरांगे? 1। फिर असी वाई का मुल कितना भरांगे? 2। जो 0 भरिया तो इतने कितना आ गया? 0 की घात 2 + 0 + 1। 0 की घात 2 कितना हुंदा? 0, यह भी 0, यह भी 1। तो आंसर कितना आ गया? 1। इतने आओ 1 की घात 2 + 1 + 1, 1 की घात 2 कितना हुंदा? 1, 1, 1, 1, तो यह कितना आ गया? 3। नैक्सट 2 की घात 2 कितना हुंदा? 4। बाकी असी एज इट इज लिख लैने, 4 ते 2 कितने हुंदे? 6। 6 ते 1 कितना हो गया? 7। सैकेंड पार्ट है, पी टी कितना दिता होया? 2 + t + 2t2 - t3। सेम असी फिर पी दी पहला 0 ते पुट करना, 0 का मतलब की आ कि जिथे जिथे टी आ अभी उत्थे उत्थे असी 0 पुट कर लेना। इतने कितना आ गया? 2। इतने टी का मुल कितना आ गया? 0। इतने टी का मुल कितना आ गया? 0। इतने कितना आ गया? 0। हुण जिथे 0 आ गया क्योंकि वह गुणा हो रहा वा, उत्थे वह की बन जानी है? टोटल जिहड़ी संख्या वह भी 0 बन जानी है। जिवें पहला 2 आ, 2 रह गया, टी की घात 0 आ, 0 हो गई। 0 नूं हुण किसी नाल ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यह भी 0 बन गया, यह भी 0 बन गया, तो आंसर कल्ला 2 रह गया। सैकेंड है, पी की वैल्यू असी 1 ते पुट फाइंड करनी है, मतलब जिथे टी आ उत्थे 1 पुट कर देना। 2 + 1 + 2t की घात कि 2, इतने 1 की घात कि आ गई? 2 - t की घात 3, मीनस 1 की घात 3।
2 प्लस 1 हुण 1 दी घात 2 किन्ना हुंदा 1 2 एकम 2 माइनस किन्ना आ गया इत्थे 1 दी घात 3 किन्ना हो गया 1 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस वाले अलग ऐड करते 2 ते 2 4 4 ते 1 5 5 चो 1 घटाए किन्ने हो गए 4। नैक्सट पी दा मुल पता करना सी जदों वाई दी वैल्यू किन्नी आ 2 इत्थे सॉरी टी दी वैल्यू किन्नी आ 2 इत्थे 2 प्लस टी दी वैल्यू किन्नी आगी 2 प्लस 2 टी दी मुल किन्ना भरता 2 माइनस 2 दी घात 3 हुण 2 ते 2 किन्ने हुंदे ने 4 2 इंटू 2 की घात 2 2 दूनी किन्ने हुंदे ने 4 4 नूं फिर बाहर वाले 2 नाल कीता किन्ना हो गया 8 2 की घात 3 भाव 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी किन्ने हो गए 8 हुण 1 8 प्लस दा 1 माइनस दा कट्टे गए 2 ते 2 किन्ना आंसर आ गया था 4। थर्ड सम वेरी ईजी पी एक्स किन्ना दिता होया एक्स की घात 3 मीनस पहला असी 0 पुट करना एक्स नूं तां 0 की घात 3 किन्नी हुंदी है 0 फिर 1 पुट करना 1 की घात 3 किन्नी हुंदी है 1 2 पुट करना 2 की घात 3 किन्नी हुंदी है 8। फोर्थ है नैक्सट पी एक्स किन्ना दिता है सानू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक मैथड तो यह है कि इनू असी ए माइनस बी ए प्लस बी लैके सॉल्व कर लिए उदा आंसर किन्ना आजूगा एक्स स्केयर माइनस 1 पर नहीं सीधा ही आपां पुट करांगे इहदे विच क्योंकि डायरैक्टली भी कर सकते हैं। पहला असी एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0 इत्थे किन्ना गया 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 चो 1 घटाए माइनस 1 0 चो 1 जोड़िया प्लस 1 माइनस 1 गुणा 1 किन्ना हो गया माइनस 1। नैक्सट है पी इतने एक्स की मुल कि भरना सी 1 मीनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 कि होंगे 0 1 प्लस 1 कि होंगे 2 2 गुणा 0 कि हो गया 0। नैक्सट है 2 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 2 चो 1 घटाए 1 2 तो 1 किन्ने होंगे ने 3 तो 3 एकम कि हो गए 3। थैंक यू बच्चे नैक्सट वीडियो के मैं नैक्सम सॉल्व कराऊंगी थानू।